येस सो फॉर दिस पर्पज़ ही फाउंडेड मराठी स्कूल वर्क स्कूल इन पार्ट ऑफ़ परेल देवनार इन मुंबई येस इसी की वजह से उन्होंने क्या किया था बहुत सारी मराठी स्कूल को स्टार्ट किया था फिर वर्क स्कूल को आ, स्टार्ट किया था पर परेल में और देवनार में. Okay. फिर देवनर इन मुंबई में ओके ही एक्टिवली टुक पार्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दलित क्लास रिगार्डिंग सत्याग्रह फॉर एंट्री इन पार्वती टेम्पल एट पुणे फिर उन्होंने क्या किया इन्होंने मतलब एक, एक Uh, मतलब उसने पार्टिसिपेट किया और किस चीज़ के लिए क्या मतलब वो दलित क्लास के जो लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए मतलब जैसे उन लोगों को पहले कहीं पर भी जो मतलब कॉमन पीपल की जो प्लेसेस होती थी जैसे पब्लिक प्लेसेस होती थी वहाँ पर इन लोगों को परमिशन नहीं होती थी जैसे रिलीजियस प्लेसेस पर सो so, वैसी जगह पर उनको एंट्री दिलवाना जैसे यहाँ पर उन्होंने uh, मतलब ये एक सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने पार्ट किया था जहाँ पर जो पार्वती टेम्पल थी तो उनमें दलित क्लास के जो लोग थे उनको एंट्री करवाने मिले ओके शेतकारी परिषद ऑफ दलित फेडरल इलेक्ट्रोरेट एक्सेट्रा यस फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये जैसे आ, पार्वती टेंपल में उनको एंट्री दिला दिलवाई फिर जो शेतकारी परिषद है दलित का वो बनाया गया फिर जो फेडरल एरोडिकेट है एक्सेट्रा ऐसे एक 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 बहुत सारे काम किए थे ओके राजा शाहू गिव सपोर्ट टू तो द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्यूरिंग हिस पीरियड ही लीड द नॉन ब्राह्मिन मूवमेंट राजारर्षी शाहू महाराज मेड रिवोल्यूशनरी लिब्रेशन फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट ऑफ कोल्हापुर यस अब जो राजर्षी शाहू थे ये इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था किसकी लीडरशिप को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के, के लीडरशिप को इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और उनके टाइम पर मतलब वो जब थे तो वो टाइम पर उन्होंने क्या किया था उन्होंने नॉन ब्रमिन मूवमेंट ये स्टार्ट किया था राइट और फिर जो महाशय शाहू महाराज थे राइट तो उन्होंने क्या किया था एक रिवोल्यूशनरी डिग्रेडेशन मतलब स्टार्ट किया था जिसमें क्या था कुछ मतलब रिजर्वेशन uh, था uh, कोल्हापुर स्टेट में रिजर्वेशन uh, रखवाया था उन्होंने ओके ही मेड अ लॉ फॉर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन और फिर उन्होंने ऐसा लॉ बनाया था ऐसा कानून बनाया था जहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए हर किसी को और ही डिड सब्सटेंशियल वर्क फॉर एबोलिशन ऑफ कास्ट डिस्टिक्शन और प्लस उन्होंने मतलब जैसे जो उन्होंने क्या अबोलिश किया था जो कास्ट डिस्टिक्शन रहता है जैसे अपर क्लास लोअर क्लास जैसे कोई रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो वो अच, मतलब उसको अच्छे से ट्रीट करना फिर जो लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा है उसको बुरी तरीके से ट्रीट करना सो ये सारी चीज़ों के अ, मतलब ये सारी चीज़ों को उन्होंने अबॉलिट किया था ओके एबॉलिश किया था दे आर वे आर थ्री रिस्ट्रिक्शन पुट अप इन द कास्ट सिस्टम इंटर डाइनिंग इंटर मैरिज एंड चेंज ऑफ ऑक्योपेशन यस अब देखो ऐसे थ्री रिस्ट्रिक्शन लगाए रखे लगाए गए थे ओके कास्ट सिस्टम के ऊपर जैसे एक था इंटर डाइनिंग जैसे मतलब लोग मिलजुल के खाते हैं ना तो वैसे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई थी फिर इंटर मैरिज जैसे इंटर मैरिज जो होती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी और फिर चेंज ऑफ ऑकोपेशन मतलब ये थ्री चीज़ें थी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी ओके इन दिस रिगार्ड ड्यूरिंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस शाहू महाराज एट फूड फ्रॉम द हैंड ऑफ दलित पीपल एंड ओवर थ्रू द रिस्ट्रिक्शन ऑन इनर डाइनिंग येस फिर इसकी वजह से देखो जो शाही शाहू महाराज थे उन्होंने क्या किया था जब वो कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में जाते थे है ना तो वो स्पेशली जो दलित पीपल होते थे उनकी हाथ से ही खाना खाते थे और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई लगाई गई थी इंटर डाइनिंग के ऊपर तो इसको उन्होंने मतलब अवॉइड कर दिए थे ओके okay? शाहू महाराज बिलीव दैट टिल द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन इंटर मैरिज इज़ फॉलो टिल दैन द दे कास्ट डिस्ट्रिक्शन विल नॉट बी अप्रोटेड यस शाहू महाराज का ये बिली मतलब वो ये बिली वो ये बिलीव करते थे कि जब तक ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है इंटर मैरिज के ऊपर तो जब तक हम इसको फॉलो करेंगे इंटर मैरिज की रिस्ट्रिक्शन को हम फॉलो करेंगे जब तो तब तक जो कास्ट डिस्ट्रिक्शन है वो पूरी तरीके से नहीं ख़त्म होगा हमारी सोसाइटी से ही पास द एक्ट ऑफ इनर कास्ट मैरिज एंड गेव इट लीगल एक्सेप्टेंस इन हीज इस्टेट और फिर उन्होंने क्या किया ये चीज़ों को बंद करने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसके अंदर जो इंटर कास्ट मैरिज है उसको परमिशन दी गई और इसको मतलब लीगली एक्सेप्ट करा गया उनके स्टेट में ओके okay, मतलब कोल्हापुर स्टेट में ऑन ट्वेंटी टू फेब